अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? आप सब ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने सूट की कटिंग करनी है, वेलवेट का सूट है, और वेलवेट के सूट की कैसे कटिंग करते हैं और आसान तरीके से बताऊँगी। तो आप लोग पहले मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज शुरू करती हूँ। मुझे व्हाट्सएप नंबर से जो है ना वो मैसेज उन्होंने किया था कि आप ना कटिंग बताया करें और सिलाई वगैरह बताया करें, क्योंकि घर बैठी जो होती है ना औरतें वो इससे देख के भी सीख सकती हैं। मुझे उन्होंने कहा था कि आप ना कटिंग करें, तो इससे फिर हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो आज मैं कटिंग करने लगी हूँ वेलवेट के सूट की। तो पहले हम ये इसकी दामन की चौड़ाई लेंगे। ये बगैर इंची टेप के ये मैं कटिंग कर रही हूँ, तो इसमें इंची टेप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इंची टेप से नहीं करता। जो लोगों को सिलाई नहीं आती या कटिंग नहीं आती, तो वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आज मैं जिनको सिलाई नहीं ना कटिंग ही ना आती, तो उनको बता रही हूँ कि आसान तरीके से कैसे कटिंग होती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि कटिंग नहीं आती लेकिन सिलाई आती है, तो उनके लिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखें, ये दामन एक एक इंच दोनों तरफ से आपने दामन का ये कट कर लेना है थोड़ा सा, और इसको फिर ऐसे फोल्ड करके, क्योंकि इसका जो अर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम डबल करके ये? फिर हम लगा लेंगे इधर से कट। इधर से हमने कट लगा लिया और एक हमने इधर से कट लगाया, क्योंकि ये जो है ये दामन का आ गया। थोड़ा सा और निशान लगा लूँ, और इसके बाद जो है इसकी लेंथ का नाप करना है। ये जितनी कमीज़ की लंबाई है ये उतनी, यहाँ से हमने ऊपर से भी एक इंच छोड़ना है, और इधर से उन्होंने कहा था कि इससे थोड़ी सी छोटी रखनी है कमीज़, तो वो एंची टेप मुझे पकड़ाएं ज़रा। स्टॉप कर देना। मैं इसलिए इंची टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि ये 38 इंच जो है ना वो कमीज़ रखनी है, तो इस वजह से मैं इंची टेप से इसका नाप कर रही हूँ, इसलिए कि उन्होंने छोटी कहा था कमीज़। अगर वो पूरी होती, ये देखें एक इंच इधर से छोड़ के और एक इंच इधर से छोड़ के, ये मैं 38 किधर आता है 38 ये आ रहा है 38 इंच में इसकी लंबाई ले लेती हूँ। इधर से कट लगा लूँगी। ये मैंने कपड़ा जो है वो फोल्ड कर लिया है दोनों तरफ से, और इसको हम ये अलहदा कर लेंगे। ये दोनों तरफ से ऐसे पकड़ेंगे ना तो सीधी सिलाई जाएगी, ठीक है, सीधी इसकी कटिंग जाएगी। ये हमने दो पीस इसके कर लिए। अब जो हमने दो दामन का हिस्सा जो हमने छोड़ा था, अब उसको हमने अलग अलग करना है। ये देखें, ये मैंने कमीज़ जो दो पल्ले इसके फ्रंट और बैक जो है वो मैंने इस तरह ये फोल्ड करके रख लिए हैं। और ये भी आपने ध्यान रखना है, वेलवेट के कपड़ों का जो बुर होता है ना, एक बुर ये देखें इस तरफ करेंगे तो ये
थोड़ा सा सख्त सा होगा, जब इस तरफ से आप करेंगे तो इस तरफ से नरम नरम होगा। तो आपने ये जिस तरफ को नरम है ना, वो आपने नीचे की तरफ साइड रखनी है। जैसे कि ये मैंने रखी हुई है, यहाँ पे दामन है ना, तो ये दामन की तरफ आपने यूँ रखना है, ठीक है। और जो उसकी थोड़ी सी सख्त सी जगह होती है ना, वो बुरहाथ के साथ लगते हैं, वो ऊपर को नहीं रखने, वो नीचे की तरफ रखने हैं, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ, तो कटिंग आप देखें। और इसकी ये भी है कि आपने वेलवेट की उल्टी साइड करनी है, उल्टी साइड से तय लगानी है। इस तरफ फिर कपड़ा जो है ना, वो खिसकता नहीं है किसी तरफ, इधर उधर नहीं होता। तो आपने ये वेलवेट की उल्टी तय लगा के रखनी है, और कपड़ा बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी मैं ये कमीज रखने लगी हूँ ऊपर, करके रख लिया है। अब 1 इंच का छोड़ के तो आपने ये कटिंग शुरू कर देनी है। ये मैं कटिंग करके लेके जा रही हूँ, ये देखें, ये 1 इंच का फर्क है यहाँ तक, और ये आ गया इसका चौक का निशान। आपने यहाँ पे चौक का निशान लगा लेना है, ऐसे कट सा लगा लेना है हल्का सा, और फिर हमने आगे जाना है। और ये फिटिंग जा रही है, फिटिंग जैसे जैसे जाएगी तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा 2 इंच छोड़ के तो आपने ये फिटिंग का लगा लेना है। और इसके बाद जो है, आपने आधी इंच छोड़ के यहाँ पे आपने आगे करके थोड़ा सा ये कंधे का निशान लगाना है, और इधर से भी आपने ये इसकी सिलाई का निशान है, और आधी इंच छोड़ के तो आपने ये कट सा लगा देना है। और इसको हमने ऐसे ऊपर की तरफ कर देना है, और फिर हमने ये इसका ये कंधा काटना है। ये इसका कंधा कट गया, और ये हमने ऊपर से इसकी शेप दे दी। ये ऊपर से शेप दे दी हमने, और आगे जो वाला जो फ्रंट है तो वो हमने कैसे करना है। ये फ्रंट साइड थोड़ा सा आगे करके तो हमने ये इसकी आगे वाली साइड काटनी है, आगे वाली साइड काट के, और फिर जितनी हमने इधर से आधी इंच काटी है, तो हमने इधर से ऊपर से अगले दामन की भी हमने आधी इंच काटनी है। ये हमारी कटिंग हो गई कमीज़ की। ये देखें, ये बहुत ही आसान तरीके से, किसी एंची टेप की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी कमीज़ कट गई है, ये देखें, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये कटिंग करनी है। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आगे भी आपने जो कुछ यानी कि शलवार की सिंपल सी कटिंग सीखनी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, अगर ट्राउज़र की कटिंग सीखनी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, साथ साथ बताती रहूंगी ब्लॉग के साथ साथ। तो ये हमारी कटिंग है, और इसी तरह हमने बाजुओं की भी करनी है। बाजू ऊपर रख के, बाजुओं की 2 तह लगा के, तो हमने ये, मैं इसी कमीज़ के ऊपर आपको बता देती हूँ, जैसे ये बाजू है ये वाली, आप बाजू फोल्ड करके 2 तह लगा के 2 बाजू रखें, और इस तरह ऊपर कमीज़ रखें। कमीज़ के ऊपर से आपने 1.5 इंच की कटिंग करके लेके जानी है, और इधर से आधी इंच की कटिंग छोड़ के तो ये आपने ये कंधा काट देना है, ठीक है। ओके। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब कर देना। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।